हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको शेयर फोर्स डायग्राम का न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा शुरू से एंड तक कि क्या होता है, प्रोसेस क्या आपको यूज करना है। पीछे मैंने आपको शेयर फोर्स डायग्राम का बेसिक सिखा दिया था, सारा साइन कन्वेंशन के साथ सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर मैं सीधा जो मैंने सिखाया था मेथड उसको अप्लाई करूंगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी सीख के ट्राई कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब ये मेरे को क्वेश्चन दिया है कि 10 मीटर लॉन्ग एक मेरी बीम है, उसके सपोर्ट्स हैं ए एंड बी, ये सपोर्ट्स मान लीजिए दो दे रखे हैं, मुझे शियर फोर्स डायग्राम बताना है। शियर फोर्स डायग्राम मैंने आपको बोला था कि इट इज़ नथिंग बट अ फोर्स डायग्राम, कि मतलब मेरे को बस ये देखना है कि अलग अलग पॉइंट्स पे जहां भी कुछ फोर्स की वजह से कुछ चेंज आ रहा है, कोई नई फोर्स एक्ट हो रही है या फिर कोई नया लोड रखा है, वहां वहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा रिजल्टेंट फोर्स और अपना आंसर निकाल लूंगा, उसको निकाल के एक ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मेरा शियर फोर्स डायग्राम भी बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप यही था, यहां पर देखूं तो एक यहां पर 5 किलो न्यूटन की फोर्स है, एक यहां पर 5 किलो न्यूटन की पॉइंट फोर्स है, देन एक ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो अब यहां पर मेरा सबसे पहला काम यह है कि यहां पर ये आर ए, क्योंकि यहां पर सपोर्ट का आर बी, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि मैं अपनी नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड करूं। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखते हैं क्या होता है। ये सारी फोर्सेस हैं आर ए प्लस आर बी, ऊपर डायरेक्शन में ऊपर से फोर्सेस देखूं तो एक 5 की, एक और 5 किलो न्यूटन की और एक 1 किलो न्यूटन पर मीटर की है फोर्स। अब ये जो फोर्स है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, देखता हूं कितने मीटर टोटल मेरे को बीम दे रखी है 10 मीटर लॉन्ग, यहां पे 3 मीटर हो गया, यहां पे 3 मीटर, मतलब यहां बचा 4 मीटर। तो ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर फोर्स मेरी 4 मीटर में लग रही है, तो टोटल फोर्स मेरी 4 किलो न्यूटन हो गई। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 14 किलो न्यूटन, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ये मैंने यूज करके एफ वाई इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके मैंने अपनी निकाल ली, वाई एक्सिस की जो भी फोर्सेस थी उनको मैंने इक्वेट कर दिया 0 के। अब क्या है, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगी ताकि आर ए आर बी निकालूं, तो मैं आई एम टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। सो अगर मोमेंट एट पॉइंट ए यहां ले लेता हूं तो आएगा यहां से 5 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है 3 मीटर पर, प्लस 5 किलो न्यूटन की लग रही है 7 मीटर दूर पर। अगर आपको याद नहीं हो तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स लग रही है, देख रहा हूं कौन कौन सी फोर्सेस इस पॉइंट से पकड़ के कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इसमें मोमेंट लाएंगी और इनटू उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस। सो नेक्स्ट, अब अगर देखूं तो ये मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और ये भी कुछ ना कुछ मोमेंट एग्जर्ट कर रहा होगा। तो होता क्या है, मान लीजिए ये मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और ये डिस्टेंस पे मान लीजिए ए पॉइंट से बी कुछ एक्स न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर अगर कर रहा है ये, तो इसका जो मोमेंट के लिए जब भी आप देखते हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है हमेशा वहां से चेक करते हैं फोर्स को, कि मैं ये मानता हूं हमेशा कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पर फोर्स और इसका जो टोटल जितना भी मीटर की ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो टोटल फोर्स उसके सेंटर पॉइंट पर एक्ट कर रही है। व्हेन आई एम चेकिंग फॉर द मोमेंट देन आई हैव टू कंसिडर दैट दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ द बीम। अब इसका मतलब यह है कि यहां पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर की फोर्स है और ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो 4 मीटर तक, मतलब जैसे मैंने यहां निकाला था 4 किलो
किलो न्यूटन की टोटल फोर्स लग रही है यहां पर सेंटर पॉइंट पर इसके 4 किलो न्यूटन की। अब इस फोर्स को भी रिगार्ड मेरे को तो लेना पड़ेगा ना मोमेंट के अंदर। तो ये 4 किलो न्यूटन की फोर्स 3 मीटर यहां हो गया, 4 का हाफ 2 मीटर, मतलब ये 5 मीटर की दूरी पर इस पॉइंट से ये लग रही है। तो 4 किलो न्यूटन लग रही है और ये लग रही है 5 मीटर की दूरी पर। अब लास्ट एक फोर्स और बची है, ये RB, और ये कितनी दूर है, 10 मीटर दूर है। तो ये 10 इक्वल टू 0। सो अब इसकी इक्वेशन भी देख लेते हैं क्या आएगी। यहां पर 10 RB विल बी इक्वल टू, उत्तर आ गया RB मेरा आ गया 7 किलो न्यूटन। RB की वैल्यू मैंने मोमेंट से निकाल ली, इसको अब यहां पर पुट कर देता हूं तो RA की वैल्यू मेरी आ जाएगी इसी से, वो भी 7 किलो न्यूटन आ जाएगी। तो अब मैं देखूं मेरा सबसे पहला स्टेप जो स्टेप 1 था वो हो गया, मेरे पास RA और RB की वैल्यूज आ गई 7 किलो न्यूटन, यहां भी 7 किलो न्यूटन। तो ये फर्स्ट स्टेप जो होता है आपको हर एक क्वेश्चन में करना होगा। जब भी आपको क्वेश्चन कोई आएगा जिसमें आपको शेयरिंग फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हमेशा क्वेश्चन एक ही में आता है, शेयर फोर्स भी बनाओ और बेंडिंग मोमेंट भी बनाओ। बट यहां पर मैं शेयर फोर्स पर फोकस कर रहा हूं, तो आपको ये स्टेप हर एक क्वेश्चन में करना होगा। अब आगे देखते हैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना अपना डायग्राम। तो जैसे बीम है वैसे ही मैंने एक अपना स्केल ले लिया यहां पर, जिसमें मैं डायग्राम अपना शो करने वाला हूं। अब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाई करिए साइलेंट पॉइंट्स और उन पर चेक करिए। अब यहां पर मेरे को पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहां पर डी मान लेता हूं या फिर सी मान लेता हूं, बी क्योंकि यहां लिया हुआ है, यहां पर ले लीजिए एक और एक यहां ले लीजिए डी बी, इतने पॉइंट्स ही काफी रहेंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पर अलग-अलग मुझे सिर्फ फोर्स चेक करनी है कि कितनी है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है बस, और उसे यहां पर शो करा देना है। लाइंस को मैं ज्वाइन कर दूंगा सारी तो मेरा डायग्राम बन जाएगा। अब पॉइंट ए पे देखते हैं, ए पे मुझे दिख रही है एक फोर्स, ये है 7 किलो न्यूटन की, और तो कोई फोर्स नहीं है। तो यहां पर मतलब मेरा आ गया SF इज इक्वल टू 7 किलो न्यूटन। डायरेक्शन क्या है मेरी, ऊपर। ऊपर मतलब एक तरह से कहूं काउंटर क्लॉक जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव यहां रहेगा, -7 के स्केल पर मैंने यहां इसे रख दिया। ठीक है, अब एट पॉइंट बी सी सॉरी सी देखते हैं, एट पॉइंट सी यहां पर मैं देखूं तो एक फोर्स 7 की आई, ये आ रही थी, अपोजिट फोर्स 5 किलो न्यूटन की आई। तो यहां पर जो रिजल्टेंट बचा मेरे पास वो बचा 2 किलो न्यूटन। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। अब ये भी किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब 2 यहां पर कहीं लाया करता होगा इसका। अब क्योंकि ये मैंने आपको बताया था जो लोड है ये पॉइंट लोड था और यहां भी एक पॉइंट लोड था, ठीक है, यहां एक पॉइंट लोड था यहां एक पॉइंट लोड था, तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पॉइंट लोड होगा तो आप नॉर्मली ज्वाइन करेंगे, मतलब यहां से 7 चलता रहा, यहां भी 7 था यहां भी 7 था यहां भी 7 था यहां भी 7 था, अगर सारे पॉइंट्स को बीच में मैं देखूं तो। यहां पर आते ही एक और लोड लगा है तो यहां पर एकदम से अब्रप्ट चेंज आया, तो यहां मैंने चेक कर लिया। तो अब मेरा जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन गया।
नेक्स्ट मेरे पास आ गया एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कुछ नहीं करना, आपको जस्ट लास्ट में चेक कर लेना इसका जो स्टार्टिंग और लास्ट, लास्ट में जितना भी आए फिर उसको एक स्लोप लाइन से, स्लोप लाइन से ज्वाइन कर देना। अब अगर मैं देखूं पॉइंट डी पर, डी पर शेयरिंग फोर्स मेरा है, एक फोर्स यहां पर काम कर रही है 7 किलो न्यूटन की, उसकी नेगेटिव एक फोर्स काम कर रही है 5 किलो न्यूटन की, ठीक है। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो एक फोर्स 4 किलो न्यूटन की, ये पूरी 4 मीटर है ना, 1 किलो, तो ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। एंड नाउ लास्ट देखूं तो ये 4 किलो न्यूटन की फोर्स, जो कि बिकॉज ऑफ दिस लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से जो फोर्स है वो है 4 किलो न्यूटन की, 4 किलो न्यूटन की, और वो एंड हो रही है एट दिस पॉइंट डी। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि मैंने इसलिए इसको चुना है क्योंकि यहां पर दो चीजें होंगी। वैसे जनरली बिल्कुल जहां एंड पॉइंट पे, जहां एंड हुई ये, तुरंत ही एक और एंड पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन की फोर्स लेकर लग रही है मेरी, मुझे दिख रहा है। तो अभी क्या है, आपको पहले यहां तक चेक करना है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 7, 9 माइनस 7 तो ये +2 यहां पर आ गया, +2 किलो न्यूटन की फोर्स जो है मेरे को दिख रही है, +2 मैं मान लेता हूं अपना यहां पर। अब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो ये आपका एक स्ट्रेट स्लोप्ड लाइन से जुड़ जाएगा, बट इसी पॉइंट पर एक 5 किलो न्यूटन की फोर्स और ऐड हो गई है, तो उसको भी अगर वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब 5 किलो न्यूटन और देखूं तो ये मेरा आ जाएगा 7 आंसर। तो 7 किलो न्यूटन मतलब यहां पर और 5 बढ़ा दूं अपने, तो एट दिस पॉइंट डी दिस इज माय ग्राफ। अब इसके बाद फिर अगर देखूं तो यहां पर आगे कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही, तो 7 था एज इट इज रहेगा। अब पॉइंट बी देख लेता हूं, पॉइंट बी के पर यहां तक ये सारी इस तरह से ही लगती आ रही है, साथ में 7 किलो न्यूटन की फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना चालू कर रही है। तो ये +7 थी, यहां -7 आई, तो ये आखिरी में दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगी, 0 हो गया। देख लें आप चाहे तो, यहां से 7 12 हो गया, सॉरी 14 हो गया, 7 7 14, और इस पॉइंट पे ही अगर 5 5 10 और 4 14, इस पॉइंट पे 0, तो आपके पहला और आखिरी पॉइंट पे 0 आ जाते हैं जनरली। तो इस तरह से पॉइंट बी पे मेरा 0 आ गया, तो ये यहां पर हो गया। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये शियर फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, आपको हर एक पॉइंट पर फोर्सेस चेक कर कर, और बेसिकली बस आपको करना क्या है, टोटल फोर्स चेक करनी है हर पॉइंट पर और उसको एज अ ग्राफ प्लॉट कर देना है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, साइन कन्वेंशन सब बता दिए है। आप कोई भी क्वेश्चन हिट करने की कोशिश करिए, आप बड़े इजीली कर लेंगे। रही बात आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अलग से सब चीज़ सिखाऊं, एक चीज़ पे आप फोकस करें, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के न्यूमेरिकल आपको आगे पार्ट्स में नीचे मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आगे पार्ट्स होंगे उनके, आप देख के न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू।